This call is now being recorded. Okay. चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास. सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग. हमारे सेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें हमने अपना चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में. तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पर रिकॉल कराना चाहता हूँ. सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, कोई बताएगा मुझे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर, किसी चीज के होने की संभावना. किसी चीज के होने की संभावना. वेरी गुड. ठीक है, तो किसी चीज के होने की संभावना या किसी चीज के होने के चांस कितने हैं? चांसेस. किसी भी काम के होने के चांसेस कितने हैं, है ना? आप पढ़ाई कर रहे हो. हाँ नहीं, वो डिपेंड करता है कितने हैं. आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको उस पढ़ाई को समझ में आने के कितने चांसेस. जैसे आप ये क्लास कर रहे हो, इस क्लास में आपको समझ में आएगा इस चीज के कितने चांसेस हैं, समझ में नहीं आएगा इस चीज के कितने चांसेस. ठीक है, आप बाहर निकले घर से, आपने आसमान की तरफ देखा, स्काई की तरफ देखा, और आपने देखा वहां पर बहुत सारे बादल हैं, और आपने देखकर अंदाजा लगाया कि बारिश होने के चांसेस कितने हैं. आपने एक कॉइन उछाला, एक कॉइन को टॉस किया, तो उस कॉइन को टॉस करने के बाद, टॉस अप करने के बाद जब वो कॉइन नीचे आएगा तो हेड और टेल आने के चांसेस कितने, संभावनाएं कितनी. ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी. सो द प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांसेस ऑफ एनी इवेंट. अब इवेंट क्या होता है उस पर मैं आता हूं. पहले बताओ प्रोबेबिलिटी क्लियर हुआ सभी को? प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं, किसी भी काम को आप कर रहे हो. हाँ बोलो, अपना माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, जब डाउट हो तभी माइक ऑन करेंगे. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, आप किसी भी काम को कर रहे हो, उस काम के में सफल होने के, सक्सेसफुल होने के या अनसक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अब बात आती है इवेंट क्या होता है. इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना. इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना. आप जो भी कर रहे हो वो एक इवेंट है. सिंपल, आप जो भी काम कर रहे हो वो एक इवेंट है, वो एक घटना है. आप खाना खा रहे हो वो एक इवेंट है, आप पढ़ रहे हो वो एक इवेंट है, आप किसी से बात कर रहे हो वो भी एक इवेंट है. प्रोबेबिलिटी की दुनिया में, जब आप प्रोबेबिलिटी की दुनिया में जा रहे हो तो आपके लिए सब कुछ एक इवेंट है. आपने कॉइन उछाला वो एक इवेंट है, आपने कुछ लिखा यहां पर वो भी एक इवेंट है. तो एक इवेंट क्या है, जो भी आप कर रहे हो वो सब एक इवेंट है. जो भी आप कर रहे हो वो सब क्या है, एक इवेंट है, एक घटना है. क्लियर हुआ सभी को यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछो. इवेंट क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है. ठीक है, ओके. अब इस प्रोबेबिलिटी को हम दर्शाते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं. डिनोट करने का सिंपल तरीका, ई से इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे दर्शाते हैं, ई का मतलब क्या है, इवेंट यानी घटना, पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी. अगर आपने कॉइन उछाला, उस कॉइन को उछलने के बाद उसमें हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, आपने एक बैग में से कुछ बॉल निकाली तो रेड कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी. तो ये ई क्या होता है, इवेंट यानी घटना. ठीक है, इस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम दर्शाते हैं पीई से. ये क्लियर हुआ सभी को? ये सभी को क्लियर हुआ, जल्दी बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इवेंट क्या होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज कि भैया जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है पीई, अब मैं जब भी पीई लिख रहा हूं आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे, पीई का मतलब क्या है, ई से इवेंट यानी घटना, पी से प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी. तो ये जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा जीरो से ज्यादा होती है या जीरो के बराबर होती है, और एक से
कम या एक के बराबर होती है। ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया था क्या? Yes, ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से ज्यादा होती है या जीरो के बराबर होती है, वन से कम होती है या वन के बराबर होती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बताओ जीरो कब होती है और वन कब होती है? सर जीरो तब होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा। सर जीरो तब होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा और वन जब होगा जब श्योर इवेंट होगा। अच्छा, मैं ये नहीं पूछता, मुझे एक एग्जांपल देकर समझाओ कि जीरो का मतलब क्या होता है, वन का मतलब क्या होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मान लो मेरे पास ये एक बैग है, इसके अंदर मैंने तीन पेन रखे, पेन वन कॉमा पेन टू कॉमा पेन थ्री, ठीक है। मैं आपसे ये कहूं कि भाई इस बैग में से पेंसिल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है? जीरो सर। जीरो हो गया क्योंकि पेंसिल है ही नहीं, पेंसिल है ही नहीं। तो अगर कोई काम हो ही नहीं सकता, जिस काम को हम कर ही नहीं सकते, जिस काम को हम कर ही नहीं सकते, जैसे इस बैग में से मैं निकालो, मैं कहूं पेंसिल निकालो, तो पेंसिल नहीं निकलेगी क्योंकि पेंसिल है ही नहीं, पेन है। तो पेंसिल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। और जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, जब किसी इवेंट की, ये एक इवेंट हो रहा है, मैंने कहा जो भी हम करेंगे वो एक इवेंट है, अगर हम इसमें से पेंसिल निकालने की बात करें तो वो एक इवेंट है और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है। जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं, एग्जाम्पल देकर बताओ कि प्रोबेबिलिटी वन कब होगी? सर जब श्योर इवेंट होगा। वो आप डेफिनेशन बता रहे हो, मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल देकर बताओ कि प्रोबेबिलिटी वन कैसे होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें से पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें से पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भाई जब इसमें पेन है तो पेन ही निकलेंगे, पेन है तो पेन ही निकलेंगे। तो कितने चांस है निकलने के? 100% चांसेस है। पेन के निकलने के चांसेस कितने हैं? 100%। जब किसी, अच्छा कितने बच्चे आ गए आज क्लास में? जो भी बच्चे आ गए हैं क्लास में प्लीज अपना माइक बंद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं क्लास में, अगर सभी माइक ऑन करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगी। जो भी आपको लिखना है, हाँ डाउट पूछने के लिए आप माइक ऑन कर सकते हो, बाकी किसी चीज के लिए माइक ऑन नहीं करना। Yes. तो मैं अगर वाले सर किधर गए? मैं, अच्छा अगर कोई और टीचर पढ़ा रहा है तो आप समझ जाया करो कि दूसरे वाले सर है नहीं, ठीक है। बीच में आके प्लीज क्लास डिस्टर्ब मत करो, सुनो जो चीज मैं बता रहा हूँ। ये सब आप टाइम से आया करो क्लास में, ये सब चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं दूसरे बैच के, ठीक है। रीजन सब मैं बता चुका हूं, अब आप क्लास में आए हो प्लीज डिस्टर्ब मत करो क्लास को, अपना माइक बंद रखो, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि इस बैग में से पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई इसमें पेन है तो पेन ही निकलेंगे, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई वन। जब किसी काम के होने के चांस 100% है ना, कोई काम आप कर रहे हो और आपको पता है 100% वो होगा ही, उसके चांसेस 100% है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वन होना और उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन, ठीक है। ये बताओ, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मुझे बस एक एग्जांपल देना था तो इसलिए मैंने ये बताया, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, हम तो सर आपने सर्टेन इवेंट के बारे में क्या बताया? एक मिनट भाई, मैं एक एक करके आता हूँ। सुना ली, आप पिछली क्लास में शायद नहीं थे, अब एक तो टाइम से नहीं आते ना, प्रॉब्लम ये है। मैं सारी चीजें पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि हम सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सेकंड चैप्टर है वो हम इस चैप्टर के बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे,
थे आप तो फिर तो आपको पता होना चाहिए, आपने पिछली क्लास में मीटिंग ज्वाइन करने में भी दिक्कत हो रही थी। पहले मैं पढ़ाऊंगा बाद में, पहले अपने अपने समस्याएं बता दो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, एक एक करके बोलो, पढ़ा मैं बाद में दूंगा, पढ़ाई होती है, बोलो बोलो एक एक करके बोलो क्या क्या समस्या है। सुनाली आपका मैंने बता दिया है कि सेट एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, तो इसीलिए सेकंड चैप्टर हमने रोक दिया है, इस चैप्टर के बाद हम अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसको करेंगे, ठीक है। अब बोलो दूसरा बच्चा, बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो भाई, अब मैं टाइम दे रहा हूँ, बोलो जल्दी जल्दी, फिर मैं आता हूँ अपने इस पर चैप्टर पर। सर मीटिंग ज्वाइन करे थे, जल्दी ज्वाइन हो ही नहीं रही थी, दो तीन बार करने के बाद हुई है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, और किसी को कोई प्रॉब्लम? अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पूरी क्लास में सबका माइक बंद रखना, सब अपने माइक बंद रखना, जब डाउट हो तभी माइक ऑन करना, ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? अगर अब किसी का बिना वजह माइक ऑन हुआ मैं बंद कर दूंगा सबके माइक, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्योर और सर्टेन इवेंट मैंने ये बताया था कि अगर किसी काम के होने के चांस 100% है, या अगर प्रोबेबिलिटी 1 है, किसी काम को आप कर रहे हो और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 निकल कर आई, चांसेस उसके 100% आए, तो उसको हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं, ठीक है। जिन्होंने ये पूछा था कि श्योर और सर्टेन बताना, वो मैंने बता दिया है, कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है, वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पूरी एक्सरसाइज 15.1 में इसी को यूज करना है। तो क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, या मैं इसको दोबारा समझाऊं, जल्दी बताओ। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। क्लियर होने का मतलब ये है, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, पॉसिबल का मतलब क्या होता है, ये वर्ड्स क्लियर है सभी को? अगर नहीं है तो एन टाइप कर दो, अगर है तो वाई टाइप करो। सभी बच्चे जल्दी जल्दी टाइप कर दो, ये सबको क्लियर है, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला और आपको बताना है मुझे, पहला ये हो गया, दूसरा मुझे ये बताना है। अच्छा इसको थोड़ा समझो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको मैं एक इवेंट बोलूंगा। अब अगर आप उसके कोई काम कर रहे हो तो दो उसके रिजल्ट हो सकते हैं, या तो वो काम होगा या वो काम नहीं होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? कुछ ध्यान से सुनना, आप कोई भी इवेंट, कोई भी घटना हो रही है, घटना मतलब जो भी आप कर रहे हो, जैसे आप पढ़ने बैठे, तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपको समझ में आ जाएगा या आपको समझ में नहीं आएगा, तीसरा कुछ पॉसिबल नहीं है। आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठे, जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ने बैठे, तो या तो वो समझ में आ जाएगी या नहीं आएगी। आप खाना खाने बैठे, या तो आपका पेट भर जाएगा, या मान लो सब्जी अच्छी नहीं लगी या सब्जी अच्छी नहीं बनाई आज, है ना, तो पेट ना भरे, ठीक है। आप खेल रहे हो, या जीतोगे या हारोगे, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो उसके दो रिजल्ट पॉसिबल है, ये बात सभी को क्लियर है? आप कुछ भी कर रहे हो उसके दो रिजल्ट पॉसिबल है, या तो वो आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे या आप उस काम में अनसक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसे ही अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो अगर किसी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल रहे हो, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी पीई है, मतलब उस काम के होने की, अगर वो काम हो रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी पीई है, और अगर वो काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है पीई बार, उनका जो योग है वो जीरो के बराबर होता है। दोबारा समझो मैंने क्या बोला, आप कोई भी काम करोगे या तो वो काम होगा
अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने मान ली पीई, या वो काम नहीं होगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मान ली हमने पीई बार, ये बार लगा हुआ है ई के ऊपर। इनका जो योग है, सॉरी मैंने जीरो लिख दिया, इनका जो योग है वो एक के बराबर होता है, वो एक के बराबर होता है। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, समझ में आया मैंने कहा क्या है? अगर आपने कोई कॉइन उछाला, अगर आपने कोई कॉइन उछाला, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बटे दो, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बटे दो। उनको जब आप जोड़ोगे तो एक आएगा। कहने का मतलब ये है, यानी किसी काम को अगर आप कर रहे हो, उस काम में अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो इसको आप ऐसे याद रखो, ये पीई है होने की, है ना, किसी भी घटना के होने की, किसी भी घटना। अब मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी में अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, किसी भी इवेंट के ना होने की। ना होने की, ठीक है, ओके, क्लियर सभी को यहां तक? तो ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं इस चैप्टर में। तो अब हम शुरू करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अच्छा एक चीज और, सेकंड क्वेश्चन आपका नहीं हुआ था, तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें पता होना चाहिए इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं पहले, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पहले कर लेंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स, कोई बताएगा क्या होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स? किसी को पता है? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप स्टडी करने बैठे, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ होगा, सेकंड ना कराऊं कैफी, सेकंड हो गया था क्या? सेकंड भी का एक पार्ट करा देता हूं, बाकी आप कर लेना। अच्छा आप ये देखो, आप स्टडी करने बैठे, पहले इसको समझो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है। आप स्टडी करने बैठे और आपको 50% तो समझ में आ गया और 50% समझ में नहीं आया। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने बैठे और जब आप पढ़ने बैठे तो 50% चांसेस थे, या मैं चांसेस छोड़ता हूं, अभी मैं ये कहता हूं कि 50% आपको वो टॉपिक समझ में आया, 50% नहीं आया। तो यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी समझ में आने की प्रोबेबिलिटी और समझ में ना आने की प्रोबेबिलिटी अगर बराबर है तो उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर बराबर है तो उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको 80% समझ में आया, आपको 80% समझ में आया और 20% नहीं आया, तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? नो सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होते। यानी कोई काम आप कर रहे हो, उस काम के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर बराबर, किसी भी काम के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर बराबर है तो उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। क्या डेफिनेशन सबको क्लियर है? किसी भी काम के होने की और ना होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी अगर बराबर है, उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो एक ड्राइवर है, उसने कार को स्टार्ट किया, ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया, तो क्या कार को स्टार्ट करने के बाद वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? बताओ, मतलब क्या बराबर चांसेस है दोनों के? आपके हाथ में चाबी है कार की, आप कार में बैठे, आपने स्टार्ट की, तो क्या कार के स्टार्ट होना और ना होना दोनों के चांसेस बराबर है क्या? दो केस मानकर चलते हैं। पहला केस, केस वन,
मेरी जो कार है वो क्या है, ओके है। ओके मतलब कार एकदम ठीक है, कार एकदम ठीक है मेरी, उसमें पेट्रोल भी फुल है, टंकी फुल है, इंजन भी उसका सही है। तो जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो वो हमेशा स्टार्ट होगी, वो कार हमेशा स्टार्ट होगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ये है कि भाई कार एक बार स्टार्ट हुई, एक बार नहीं हुई, एक बार हुई, एक बार नहीं हुई, एक बार हुई, एक बार नहीं हुई, यानी 50-50 चांस। लेकिन भाई जब कार एकदम ठीक है, टंकी फुल है, इंजन भी सही है, तो अगर आप उसको स्टार्ट करोगे तो वो हर बार स्टार्ट होगी। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, केस टू, मान लो कार में पेट्रोल ही नहीं है, कार नॉट ओके, कार में पेट्रोल ही नहीं है, तो आप उसको कितना ही उसकी चाबी घुमा लो, कार स्टार्ट नहीं होगी। तो यहां पर 100% चांस है कार स्टार्ट नहीं होगी, और यहां पर 100% चांस है कि कार स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 50-50 नहीं है, यहां पर ये 50-50 चांस नहीं है। पहले केस में कार के स्टार्ट होने के चांस 100%, ना होने के 0%। दूसरे केस में कार के स्टार्ट ना होने के चांस 100% और होने के 0%। समझ में आया या दोबारा समझाऊं? नहीं समझ में आया तो बोल दो, मैं दोबारा बता दूं। तो आ गया सर, समझ ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बाकी तीनों आप लोग खुद से सोचना, करना इनको तीनों को, और अगली क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें कुछ करना नहीं है, पढ़ना है और सोचना है बस। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या है। ओके चलो, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया था क्या लास्ट क्लास में? जल्दी जल्दी बताओ, नहीं हुआ तो एन टाइप कर दो, हो गया था तो वाई टाइप कर दो, नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फुटबॉल का मैच है, एक फुटबॉल के मैच में एक कॉइन से टॉस करना, एक कॉइन से टॉस करना फेयर क्यों माना गया है? क्यों माना गया है, ये क्वेश्चन है आपका। फेयर मतलब उसको सही क्यों माना गया है, बताओ क्यों माना गया है, सोच के बताओ। क्रिकेट का भी जब मैच होता है उसमें भी हम कॉइन से टॉस करते हैं, तो कॉइन से ही क्यों करते हैं, इसी को फेयर क्यों माना गया? कोई बता सकता है? जब आप खेलते हो, जो लोग खेलते होंगे वो भी टॉस करते होंगे हर मैच से पहले, क्यों करते हो टॉस, और टॉस कॉइन से ही क्यों होता है और किसी चीज से क्यों नहीं होता? क्योंकि क्योंकि जब आप कॉइन उछालोगे तो उसमें दो चीजें होंगी, हेड और टेल। हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस कितने होते हैं? हेड आने के चांसेस कितने होते हैं किसी भी कॉइन में? हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 50-50 हाँ 50-50। और प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2, सर 1/2। तो यहां से आपको क्या पता चला? मान लो एक प्लेयर हूं मैं, एक प्लेयर हूं मैं, और एक दूसरा प्लेयर है, प्लेयर टू। अगर एम्पायर ने टॉस किया तो जब वो कॉइन उछालेगा तो मानो प्लेयर वन ने मांगा हेड, प्लेयर वन ने मांगा हेड और प्लेयर टू ने मांगा टेल। तो आप यहां पर देखो, हेड आने के चांस कितने हैं? आधे चांस हेड आने के हैं और आधे चांस टेल आने के हैं। तो दोनों के लिए ये चीज क्या है? बराबर बराबर है, किसी को फायदा नहीं हो रहा इससे, दोनों के चांसेस बराबर हैं जीतने के, आधे चांसेस इसके हैं, आधे चांसेस इसके हैं। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? प्लेयर वन के भी चांसेस कितने हैं जीतने के? आधे। प्लेयर दो के चांसेस भी कितने हैं जीतने के? आधे। क्योंकि हेड आने के चांसेस कितने हैं? आधे। टेल आने के चांसेस कितना है? आधा चांस। तो दोनों के लिए चांसेस बराबर है, किसी के साथ वो नहीं हो रहा, इनजस्टिस नहीं हो रहा, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा। भाई तेरे भी चांसेस आधे हैं जीतने के, मेरे भी, दोनों सेम है, किसी के साथ कोई भी बेईमानी नहीं हो रही भाई, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि इसके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के प्लेयर वन के, इसके कम। तो
कॉइन जब हम उछालता जब कॉइन हम एम्पायर जब कॉइन उछालता है तो दोनों प्लेयर के चांसेस बराबर होते हैं जब तक कॉइन नीचे ना गिरे। जैसे ही कॉइन जमीन पर आकर गिरेगा तो पता चलेगा कौन जीता। जब तक कॉइन जमीन पर नहीं गिरता दोनों के चांसेस बराबर हैं, कोई भी जीत सकता है क्योंकि हेड के भी चांसेस आधे हैं और टेल के भी चांसेस आधे हैं। और इसलिए क्योंकि इनके चांसेस बराबर हैं तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है, ये इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों? क्योंकि दोनों के चांसेस बराबर बराबर है ना, जीतने के आधे आधे। तो इसीलिए कॉइन को जो टॉस करना है एक फेयर वे माना गया है। जब हम कॉइन को उछालते हैं उसको एक न्याय या कह दे फेयर तरीका जो है वो माना गया है। क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को? एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर, चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स वाई टाइप कर दीजिए अगर ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं हटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था लास्ट क्लास में? जल्दी से बता दो एक बार, यस और नो चैट बॉक्स में। हो गया था? फिफ्थ हो गया था क्या? फिफ्थ हो गया था? सिक्स्थ हो गया था? सिक्स्थ नहीं हुआ था? नो सर, ठीक है, सिक्स करते हैं। आप लोग ही करो, आप लोग ही करो। फॉर्मूला आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नीचे लिख देते हैं। करो क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से, करेंगे सभी लोग खुद से। सर फोर्थ सम भी नहीं हुआ था। चलो फोर्थ भी कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो आप बोलोगे वो कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जो पिछली क्लास में हो गया था वो हम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर लेंगे। बस आप बोलो तो सही कि सर ये वाला कराओ, जो आप बोलोगे वही करा दूंगा मैं। यस, सिक्स्थ क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद फोर्थ करेंगे। इसमें तो कुछ है नहीं वैसे, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। ये जस्ट ऐसा क्वेश्चन है जैसे मैंने पेन और पेंसिल वाला एक क्वेश्चन दिया था आपको कि एक बैग है उसमें पेंसिल है, तो पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पेंसिल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे ही एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी जो चीज है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। भाई दो बच्चों का आंसर आया सिर्फ, इशिका नाम से हैं, सावन नाम से हैं, शिवम कुमार नाम से इनका आंसर आया, ज्योति ठाकुर नाम से हैं, नेहा है। वेरी गुड, लेमन की वन होगी। ओके गुड। तो देखो इसमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, हम अपना कॉमन सेंस इसमें यूज करेंगे कि भाई जब सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है, जब बैग में लेमन फ्लेवर्ड है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई जब है ही नहीं वो तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी उसकी, जीरो। जब कोई चीज है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। एक बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है, इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर। पूछा आपसे ऑरेंज फ्लेवर्ड का है तो जब है ही नहीं तो जीरो। फिर पूछा गया है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई जब इसमें लेमन है तो लेमन ही निकलेगी, यानी 100% होगी, यानी वन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन। समझ आया क्वेश्चन सभी को? बताइए क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? ये जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने वो करा था पेंसिल और पेन वाला जो मैंने कराया था। ठीक है चलो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर में ये पूछा गया है कि इन चारों में से प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती। तो मैंने आपको जब अभी क्लास शुरू हुई थी तो एक चीज बताई थी, आपको याद होना चाहिए वो, कि प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में होती है। अगर कोई प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट ई की, तो वो या तो जीरो से ज्यादा होती है और जीरो के बराबर होगी, या वन के बराबर या वन से कम। तो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है 2/3। जब आप 2 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 0.67। दूसरा ऑप्शन है -1.5, ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तीसरा ऑप्शन है 15%। 15% को, अब ये परसेंट में है, नंबर में हम इसको बदलेंगे तो परसेंटेज हटाते टाइम नीचे 100 हो जाता है, और 15 को 100 से भाग करेंगे तो 0.15 आएगा। तो ये है 0.15, ये है 0.67 और ये है 0.7। तो बताओ कौन सी नहीं होगी। ऑब्वियस 0.67 जीरो और एक के बीच में आता है तो ये तो होगी, 0.15 भी जीरो और एक के बीच में आता है तो ये भी होगी, 0.7 जीरो और एक के बीच में आता है ये भी होगी, -1.5 जीरो और एक के बीच में नहीं आता, ठीक है। ये जो माइनस का 1.5 है ये इनके बीच में नहीं आता, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ जिन्होंने पूछा था फोर्थ क्वेश्चन, डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, बताइए, ठीक है। ये 0.67 के बराबर है, ये 0.15 के बराबर है, ये 0.7 है, तो ये सब जीरो और एक के बीच में आते हैं लेकिन ये नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट किसी को पूछ लो, पूछो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी को, क्वेश्चन नंबर 5 यस, माइक ऑन करके बता सकते हो अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था क्या, यस सर, 7 क्लियर है सभी को। अच्छा अगर हो भी गया है, ठीक है, अगर हो भी गया है पिछली क्लास में लेकिन क्लियर नहीं है तो बता देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, यस सर, ये भी हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9 में कुछ डाउट है तो बताओ, ये भी हो गए थे सर, ठीक है। बाकी लोग भी बता दो एक बार, 8 और 9 में कोई डाउट किसी को, तो ये सब क्वेश्चन आपके लास्ट क्लास में हो गए थे, ओके गुड। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर ये सब हो गए हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, यस सर, यस सर, ओके। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो माइक ऑन करके। 10, 11 और 12 इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन कराना है आप बता दो, सर 12 करा दो, 12 सर, 12 ठीक है, 12 करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि भाई अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक इसमें निडल है, ठीक है, ये निडल जो है घूम रही है और ये किसी पॉइंट पर आकर रुक जाती है, ये जो एरो है, निडल नहीं सॉरी एरो, ये जो एरो इस पर बना हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये गेम है जिसमें एक एरो बना हुआ है, तो जब ये एरो घूमती है, घूमते घूमते किसी एक नंबर पर आकर रुक जाती है, ठीक है, और वो नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। आपको ये बताना है कि 8 पर आकर रुकने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, करो इस एरो के 8 पर आकर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फॉर्मूला आपको पता है सभी को, यहां लिख भी रहा हूं मैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1/8, वेरी गुड। तो देखो कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, मतलब कहने का यह है जो इवेंट है,
जो इवेंट है वो क्या है, एट। इवेंट क्या है हमारा, एट। तो पी इवेंट क्या है हमारा, एट पर आना। सो पॉइंट एट एट, पॉइंट एट एट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जो यहां पर लिखा हुआ है ना, फेवरेबल आउटकम नंबर्स आएगा यहाँ पर, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, नंबर्स, यहाँ भी नंबर्स। ये चीज सभी को क्लियर हुआ भाई, पी ऐसे का ऐसे ही, इवेंट क्या है मेरा, पॉइंट एट एट, एट पर आकर रुकना है, तो मैंने इवेंट की जगह पॉइंट एट एट रख दिया। अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, हमें कहा फेवरेबल आउटकम वो है जो यहां लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो मेरा फेवरेबल आउटकम है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट एट एट, तो एट कितने हैं, एक ही तो एट है सर। ये बात सभी को क्लियर हो रही है, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जो मेरा इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है पॉइंट एट एट, और एट कितने हैं, एक ही है, तो एक ऊपर आ गया, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल कितने नंबर हैं इसमें जिन पर ये एरो आकर रुक सकता है, तो टोटल एट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8। बताओ ये क्वेश्चन का पहला पार्ट क्लियर है सभी को, ठीक यस सर, है। यस चलो चलो, तो नेक्स्ट, एन ऑड नंबर, अब मेरा इवेंट क्या है, ऑड नंबर, तो पी इवेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, ऑड नंबर बराबर, करो, तो फेवरेबल आउटकम है मेरा ऑड नंबर, जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो है मेरा फेवरेबल आउटकम, और वो क्या है, ऑड नंबर। तो कितने ऑड नंबर हैं इसमें, वन है, एक तो एक ऑड नंबर तो वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, तो ऊपर फोर आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, वो एट ही होंगे। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, एट हो गए, तो 4/8 यानी 1/2। ये क्लियर, यस सर, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, अ नंबर ग्रेटर देन टू। अब मेरा इवेंट क्या है, नंबर ग्रेटर देन टू, ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूं। पी इवेंट क्या है, नंबर ग्रेटर देन टू इज इक्वल टू, तो अब मेरा फेवरेबल आउटकम है वो नंबर जो दो से ज्यादा है, तो अब मैं दो से ज्यादा नंबर इसमें ढूंढूंगा कौन कौन है, तो एक तो तीन है, एक चार है, एक पांच है, एक छह है, सेवन है, एट है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर सिक्स आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं, एट, तो 2 3 6, 2 4 8, सो 3/4। जो भी आप इस ब्रैकेट, अच्छा ये मेरा तरीका है करने का, जरूरी नहीं आप ब्रैकेट के अंदर लिखो, ये बात मैं सबको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना, कि इवेंट जो है मैं उसको अंदर ब्रैकेट में लिखूं, और फिर ये मेरा फेवरेबल आउटकम होगा, और इसके अकॉर्डिंग मैं ऊपर नंबर लिखूं, तो आपको जैसे आता है आप ऐसे कर लो, ठीक है, जरूरी नहीं आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है, अंदर ब्रैकेट में लिखना, मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि थोड़ा ठीक लगता है, इवेंट की जगह इवेंट, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ऊपर फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल, ठीक है। बताओ ये क्लियर है सभी को, ठीक यस सर, है। नेक्स्ट, अगला आप लोग करो, अ नंबर लेस देन 9, इसको आप लोग करिए अपनी नोटबुक में सभी लोग, अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 होने के की प्रोबेबिलिटी निकालनी, वन, हाँ वेरी गुड, वन ही होगी, गुड। तो अब मेरा इवेंट क्या है, नंबर लेस देन 9, तो पी इवेंट क्या है, नंबर लेस देन 9, तो नंबर लेस देन 9, 9 से कम कितने नंबर हैं, सारे 9 से कम ही हैं, तो टोटल कितने हैं ये, 8, तो 8 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल कितने हैं, 8, 8 से 8 को डिवाइड किया, तो बताओ, खाना आसान, क्लियर हुआ है क्वेश्चन सभी, इस तरीके से हमें करना, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दिखने में लगते हैं बड़े, है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, सुना होगा आपने, पर नाम बड़े दर्शन छोटे,
ऊंची दुकान फीका पकवान। तो दिखने में लगते हैं बड़े बड़े लेकिन इनके पकवान फीके हैं, आसान है। ठीक है चलो, तो नाम इनके बड़े बड़े हैं, काम इनके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करिए सॉल्व सभी लोग, ये तो कर सकते हो आप लोग, फिर थोड़ा कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था क्या? नो सर। ठीक है करिए इसको, तीनों पार्ट करिए सभी बच्चे नोटबुक में, मैं नोटबुक देखूंगा। फर्स्ट का 1/2, ओके कैफी, ऑल पार्ट आंसर इज 1/2, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर जो डाई फेंकी गई है वो लूडो वाली डाई जो होती है उसकी बात यहां पर हो रही है, तो उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं। 1, एक तो वो होता है जिस पर एक डॉट बनी होती है, 2 डॉट बनी होती है, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट और 6 डॉट, लूडो वाला जो हमारा डाइस होता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा अपने फॉर्मूले को पहले मैं लिख रहा हूँ, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अच्छा आप अपने एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना, डायरेक्ट मत करना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, प्राइम नंबर, इवेंट क्या है मेरा प्राइम नंबर, इवेंट क्या है मेरा प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम मेरा वो होता है जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। तो कितने प्राइम नंबर हैं? 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 1, 2, 3, 3 प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 6। 3/6 कितना हो गया? 1/2। फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट क्लियर है सभी को? यस सर। सेकंड, सेकंड में बोला गया है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो अब मेरा जो इवेंट है वो क्या हो गया है? नंबर बिटवीन 2 एंड 6 इज इक्वल टू, तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं ये मैं हटा देता हूं। तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 3, 4 और 5, तो 3 ही तो हैं सिर्फ, ये रहा 2, ये रहा 6, इनके बीच में क्या है? 3, 4 और 5, 3 नंबर है डिवाइडेड बाय टोटल है 6, और 3 को 3 से 6 को डिवाइड किया 1/2। सेकंड आंसर। थर्ड पूछा गया है एन ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी, अब मेरा इवेंट क्या है? ऑड नंबर, तो कितने ऑड नंबर है? 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है, तो 3 है टोटल, 3/6 यानी 1/2। बताओ ये क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब थोड़ा हम, अच्छा कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं इनके बारे में क्या सभी को पता है कितने होते हैं? रेड कलर के कितने होते हैं, ब्लैक कलर के कितने होते हैं, किंग कौन होता है, क्वीन कौन होता है, स्पेड कौन होता है, क्लब कौन होता है, हार्ट, डायमंड, ये सब अगर क्लियर है सभी को तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो, मैं बता दूंगा। जिनको नहीं है वो एन टाइप कर दीजिए, हाँ काफी लोगों को नहीं है। चलो तो मैं एक चार्ट आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी हमारे पास 15 मिनट ही है, तो शायद एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा इसका पहले, लेकिन हमें कार्ड के बारे में सीखना जरूरी है। तो कार्ड के बारे में थोड़ा हम सीखते हैं, क्या होते हैं कार्ड, कितने होते हैं। अच्छा आपको पता है कि ये कार्ड आए कहाँ से? आए कहाँ से मतलब ये है कि ये 52 ही क्यों होते हैं, वैसे इसका लेना देना हमारे एग्जाम से नहीं है, लेकिन जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
पहले पता है क्या होता था, पुराने टाइम में घड़ी घड़ी नहीं होती थी, वॉच नहीं होती थी लोगों के पास, या मैं कह दूं कैलेंडर नहीं होता था, वॉच नहीं, सॉरी कैलेंडर। ये 52 क्यों होता है उसका रीजन बता रहा हूं। जो पुराने टाइम में कैलेंडर नहीं होता था लोगों के पास, तो वो पता है जो वीक जो होते हैं हमारे, हफ्ते जो होते हैं, वो किससे काउंट करते थे? इन कार्ड से। ठीक है, तो इन कार्ड की हेल्प से ही वो वीक्स को काउंट करते थे पुराने टाइम में, जब कैलेंडर वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए ये 52 होते हैं, साल में जो वीक होते हैं वो भी 52 ही होते हैं। चलो, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, इसका कोई लेना देना नहीं है एग्जाम से, जस्ट ऐसे ही दे दिया ये इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं भाई, देखो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मुझे उनको सिखाना है, तो जिनको आता है वेल डन, आप क्वेश्चन कर लो वो वाला, अगले वाला क्वेश्चन खुद से, जिनको नहीं आता वो इधर देखें। ठीक है, बीच में कोई भी जिनको आता है वो प्लीज माइक ऑन करके बोले ना, सभी को सीखना जरूरी है। तो जिनको नहीं आता वो प्लीज ध्यान दें। देखो टोटल हमारे जो कार्ड होते हैं वो 52 कार्ड होते हैं, उन 52 में से 26 कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के और 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के। 26 जो कार्ड होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। और जो 26 कार्ड हैं वो होते हैं रेड कलर के। पहली चीज, टोटल 52 होते हैं। अब ये जो 26 26 है, इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 13 13। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ड वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, इनको भी क्या किया गया, 13 13 में डिवाइड कर दिया गया, 13 ये और 13 इधर। ऐसे ही इस तरफ भी इन 26 कार्ड्स को 13 13 में डिवाइड कर दिया गया। थर्टीन ये और 13। यहां तक क्लियर है भाई? काफी लोग लिख रहे हैं, मुझे पता है काफी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो बताओ। यहां तक चीजें क्लियर हैं? टोटल कार्ड होते हैं 52, टोटल 52, उसमें से 26 होते हैं ब्लैक कलर के, 26 होते हैं रेड कलर के। अब जो ब्लैक वाले हैं उनको भी 13 13 में डिवाइड कर दिया, और जो रेड वाले हैं उनको भी 13 13 में डिवाइड कर दिया। अब देखो हमारा जो रेड हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, जब हम वो बनाते हैं ना ऐसे ही तो बनाते हैं हार्ट कुछ ऐसे, मेरी ड्रॉइंग खराब है, तो ये रेड कलर का होता है ना, बस ये जो 13 है इनको हम बोलते हैं हार्ट, और ये वाला जो 13 है इनको हम बोलते हैं डायमंड। हार्ट और डायमंड एक साथ, जहां डायमंड वहां हार्ट। ठीक है, और जो ब्लैक कलर के होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लब और स्पेड, क्लब और स्पेड। अब क्यों बोलते हैं ये बस नाम रख दिए हैं। ठीक है, ये यहां तक क्लियर? किसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। टोटल यस सर 52, 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड कलर के। जो रेड वाले हैं वो हार्ट और डायमंड बोलते हैं उनको, और जो ब्लैक वाले हैं उनको क्लब और स्पेड बोलते हैं। अब इसमें भी डिवाइड, 13 जो कार्ड होते हैं उनमें पहला कार्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं किंग, दूसरा कार्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं क्वीन, तीसरा कार्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं जैक, चौथा कार्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं एस, और बाकी कितने बचे? चार तो ये हो गए, बाकी बचे 9 और, टोटल 13 होते हैं, चार ये हो गए, बाकी एक पर लिखा होता है 2 3 4 और ये 10 तक होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ही इधर होते हैं
पहले वाले को बोलते हैं किंग, दूसरे वाले को बोलते हैं क्वीन, तीसरे वाले को बोलते हैं जैक, चौथे वाले को बोलते हैं एस, और बाकी जो बचे 2, 3, 4 और 10 तक होते हैं। ऐसे ही इसमें है, पहले वाले को बोलते हैं किंग, दूसरे वाले को क्वीन, तीसरे वाले को जैक, चौथे वाले को एस, और फिर बाकी बचे जो उनको बोला 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक। ठीक है, अभी आ रहा हूं भाई, इक्के विक्के सब बताऊंगा, रुक जाओ जरा। और ये हो गया किंग, हिंदी में भी जानना है क्या? क्वीन, ये जो एस है ना, एस, इसको इक्का बोलते हैं, जैक इसको गुलाम बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में ही ठीक, अच्छा हिंदी वाले भी तो हैं इसमें, ओके चलो हिंदी में भी बता देते हैं, 2, 3, 4, 5 और 10। देखो क्लब को हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, क्लब को क्या बोलते हैं? चिड़ी। ठीक है, स्पेड को बोलते हैं हुकुम, स्पेड को क्या बोलते हैं? हुकुम। हार्ट को क्या बोलते हैं? पान। हार्ट को क्या बोलते हैं? पान का पत्ता। और डायमंड को क्या बोलते हैं? ईंट। ठीक है, किंग तो पता है राजा या बादशाह कुछ भी बोल दो, क्वीन मतलब रानी या बेगम कुछ भी बोल दो, जैक मतलब गुलाम, एस मतलब इक्का, ये हिंदी नाम। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई भाई सभी को? पहले ये बताओ ये चार्ट सभी को क्लियर है? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड कलर के, फिर उन 26 में से 13 होते हैं, 13 जो हैं इधर, 13 इसके पास, 13 इसके पास, 13 इसके पास, सबके पास सेम होते हैं। इसके पास भी किंग क्वीन जैक एस होता है, इसके पास भी किंग क्वीन जैक एस, किंग क्वीन जैक एस, किंग क्वीन जैक एस। अब ये जो, अब ध्यान से सुनना, जो ये जो जिन पर नंबर लिखे होते हैं, जिन पर नंबर लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं डिजिट कार्ड्स, जिन पर डिजिट्स लिखी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? डिजिट कार्ड्स। ये भी क्या है? डिजिट कार्ड्स, क्योंकि नाम से आ जाता है क्वेश्चन, डिजिट कार्ड्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पता होना चाहिए डिजिट कार्ड्स हैं क्या। डिजिट कार्ड्स, डिजिट कार्ड्स, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले चार है, ये जो ऊपर वाले चार हैं, इनको बोला जाता है ऑनर कार्ड। ठीक है, इधर लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जूम करके आप इसको देख सकते हो। इधर लिख रहा हूं किंग, क्वीन, जैक और एस, इन चारों को हम बोलते हैं ऑनर कार्ड। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, और ये जो तीन है, किंग प्लस क्वीन प्लस जैक, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड। अब हिंदी में इनको ऐसे ही लिखा जाता है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है इसको हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है, फेस कार्ड, ऐसे करके फेस कार्ड, और इसको ऑनर कार्ड ऐसे करके ऑनर कार्ड। ठीक है, और क्या बचा? बस यही है। ठीक है, बताओ, तो ऑनर कार्ड, फेस कार्ड, डिजिट कार्ड, ठीक है, किंग क्वीन जैक एस, ये सब चीजें आपके सामने हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ये आपके सामने सारी चीजें मैंने लिख दी है, किसको क्या कहते हैं, इन चारों को कहते हैं ऑनर कार्ड, ये जो चार मिलकर ऑनर कार्ड बनते हैं, ये तीन मिलकर फेस कार्ड बनते हैं, क्योंकि इन पर फेस होता है। जब आप कार्ड देखोगे ना, इन तीनों पर फेस छपा होता है, किंग पर, क्वीन पर और जैक पर, राजा, रानी और गुलाम,
इन तीनों पर फेस छपा होता है तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। राजा रानी गुलाम और इक्का, ये क्या है, ये भाई थोड़े ऑनरेबल है, बड़े लोग हैं तो इनको ऑनर कार्ड बोला जाता है, ठीक है। बाकी ये डिजिट कार्ड है क्योंकि इन पर डिजिट्स लिखी होती है, ओके। और ये हार्ट डायमंड रेड कलर के होते हैं, क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। जोकर भी होता है, हाँ कैफी ने आंसर दे दिया है, जैक ही बोलते हैं उसको, ठीक है। आपका वैसे इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, हिंदी में आएगा तो गुलाम ही आता है, ठीक है। जोकर अगर आता भी है तो चलो मैं लिख देता हूँ, फिर भी पेपर तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर आप चाहते हो तो लिख लो जोकर भी इसको हम बोल देते हैं, इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स वो लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। खुद से करने का मतलब है प्रैक्टिस कर लेना, अगली क्लास में मैं कराऊंगा उसको। चलो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे करना है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक 52 कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड निकाला जाता है 52 कार्ड के गड्डी में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो जल्दी से अपने चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कितने किंग है रेड कलर के। तो पहले रेड कलर ढूंढो कहां है, रेड कलर के कहां है ये रहा, इसमें कितने किंग हैं, दो किंग है ना, एक ये रहा दूसरा ये रहा, एक किंग तो हार्ट का है, एक किंग क्या है डायमंड का। सोनाक्षी नाम से जो स्टूडेंट है भाई, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप स्क्रीन पर ध्यान दो, मैंने चैट में लिखने की आजादी सबको दी हुई है, चैट पे जो चाहे जिसको जो पूछना है या जो बताना है वो लिख सकता है, आपको अगर कुछ पूछना है आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ ज्यादा आपको वो बनने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। सोनाक्षी नाम से स्टूडेंट है, मुझे सबका पता है, जो वो कम से कम माइक ऑन करके डिस्टर्ब कोई किसी को नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ चैट में आपको जो पता है लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रीन पर ध्यान दो। सोनाक्षी नाम से जो स्टूडेंट है, यस, तो कितने किंग हैं इसमें रेड कलर के, रेड कलर के कितने किंग हैं, दो किंग हैं, एक ये रहा हार्ट वाला और एक है डायमंड वाला। तो ऊपर क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या है आपका, तो प्रोबेबिलिटी में अंदर क्या आ जाएगा, रेड कलर का किंग, किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड, और वो कितने होते हैं, दो बटे टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो ये कितना आया 1/26। नहीं कैफी, मैंने आपको नहीं बोला, उनको बोला है जो लिख रहे थे, चैट में आप लिख सकते हो, मुझे चैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी, आप कुछ भी से मतलब यह है कि अगर आपको आता है तो आप लिखो चैट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस माइक ऑन मत करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैफी बताइए, पहला पार्ट क्लियर है सभी को, तो बाकी के पार्ट आप कर लोगे। आप फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने हैं, देखो कहां है फेस कार्ड, ढूंढो फेस कार्ड, मैंने यहां बताए थे, ये बता रखे फेस कार्ड, तो ये तीन होते हैं फेस कार्ड, तो तीन इसके पास, तीन इसके पास, तीन इसके पास, तीन इसके पास, तो टोटल 12 हो गए। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, देखो तीन तो इसके पास है क्लब के पास, तीन स्पेड के पास है, तीन हार्ट के पास है और तीन है डायमंड के पास, तो टोटल फेस कार्ड 12 हो गए, तो 12/52 ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से करना, तो कर लोगे क्या ये वाला क्वेश्चन, बताओ खुद से। यस सर। तो इस चार्ट का अगर आपके पास पहले से है, ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है किसी के पास ये चार्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते।